नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के कर्ज जाल में फंसे भारत के पड़ोसी देशों की फिरिस्त लंबी हो रही है। नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान के साथ ही श्रीलंका और यूरोपीय देश लिथुआनिया भी उसके चंगुल में फंस चुका है। पाकिस्तान में श्रीलंका की हालत को देखते हुए देश में चीन के खिलाफ लोगों ने आवाज तेज कर दी है। देश के बुद्धिजीवियों ने सरकार को आगाह किया है कि पाकिस्तान के पास अभी भी मौका है, वह चीन से व्यापार और कर्जों को लेकर सजग हो जाए, अन्यथा अब वह दिन दूर नहीं है जब इस्लामाबाद की हालत लाओस, श्रीलंका और लिथुआनिया जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान को मार्च 2022 तक चीन को 3 अरब डॉलर चुकाना है, जबकि वह एक एक डॉलर के लिए भीख मांगता घूम रहा है। कुछ ऐसी स्थिति भारत के पड़ोसी श्रीलंका की हो रही है। श्रीलंका पर चीन का 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। ये रकम श्रीलंका को इसी साल चुकानी है, जबकि वर्तमान में उसके पास लगभग 11,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। पाकिस्तान पर चीन का लगभग 60 अरब डॉलर का अनुमानित कर्ज है। उसके ऊपर कुल 122 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 70% से ऊपर है। जबकि श्रीलंका पर कुल मिलाकर 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। देश पर कुल कर्ज का 68% हिस्सा चीन का है। पिछले महीने हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने बताया था कि जब से यूरोपीय देश लिथुआनिया ने ताइवान को समर्थन दिया है, चीन ने इस छोटे से देश को सबक सिखाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत आर्थिक हमले शुरू कर दिए हैं। ड्रैगन ने लिथुआनिया की 60 कंपनियों को पंगु बना दिया है, साथ ही उसकी कंपनियों के प्रोडक्ट भी फ्रीज कर दिए हैं। इससे लिथुआनिया की सप्लाई लाइन बाधित हो गई है और उसका एक तिहाई के करीब निर्यात प्रभावित हो रहा है। लिथुआनिया भी चीन के कर्ज जाल में फंसकर अब दोहरा आर्थिक संकट झेल रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव तो पहले ही एक दूसरे की लंगोटी खींचते दिख रहे हैं। यह भी गौर करने लायक है कि चीन से दोस्ती दिखाने के चक्कर में इन्होंने सबसे ज्यादा तीर चलाए थे। श्रीलंका को चीन के चंगुल में फंसाने के पीछे पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही है। वह खुद तो चीन का गुलाम बनाई हुआ था, उसने श्रीलंका को भारत से दूर करने के लिए चीन के उसे इतना करीब ला दिया है कि अब श्रीलंका चाहकर भी उसके साए से बाहर नहीं निकल रहा है। उधर चीन अपनी कर्ज डिप्लोमेसी का विस्तार दक्षिण एशिया के देशों पर भी कर चुका है। मालदीव पर चीन का लगभग 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये मालदीव की जीडीपी का लगभग 53% है। चीन ने मालदीव को कर्ज कॉमर्शियल लोन के नाम पर दिया है, यानी ये कठोर शर्तों वाला ऊंची ब्याज पर दिया गया कर्ज है। मालदीव अभी तक अगर बचा हुआ है तो उसमें भारत का बड़ा हाथ है। नई दिल्ली ने उसे 2 अरब डॉलर के करीब मदद देकर चीन का अर्जेंट लोन खत्म करवाने में मदद की है, जबकि श्रीलंका लगातार भारत के आगे गुहार लगा रहा है। इससे पहले यही देश भारत के जल पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया था और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के मुद्दे पर भारत को बेइज्जती करने तक की कोशिश की थी, लेकिन आज श्रीलंका की सरकार नई दिल्ली के कदमों में नतमस्तक हो रही है। पाकिस्तान भी चीन के भारी लठ को देखते हुए सऊदी अरब के सामने तशरीफ उठाकर सजदा कर रहा है, यानी जिस देश ने चीन से कर्ज लिया, आज वे कान में कीड़े पड़े कुकुर की भांति सिर पटकते घूम रहे हैं। चीन के कर्ज जाल में फंसकर इन देशों को मम्मी पापा सब नजर आ रहे हैं। लिथुआनिया जैसा देश यूरोप और अमेरिका की मेहरबानी के चलते चीन के कब्जे में जाने से बच गया है। ड्रैगन ने यूरोप के 17+ प्लान में लिथुआनिया से व्यापारिक संबंध बढ़ाए थे। उसने लिथुआनिया की लगभग 60 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया और 2 साल में ही इसे तोड़ दिया। अब लिथुआनिया की सरकार को अपनी इन कंपनियों के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करना पड़ा है। चीन की साजिश तो उसके सबसे बड़े बंदरगाह कायलापेड़ो को खरीदने की थी, पर लिथुआनिया वक्त से पहले जाग गया, पर श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं जाग पाए। श्रीलंका में खाद्य महंगाई दर 22% के करीब हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास खाने की चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। महंगाई पाकिस्तान में भी कहर ढा रही है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह 19 से 21% तक जा पहुंची है, यानी चीन के याराने की कस्में खाने वाले अब 13वीं की रस्में और इद्दत की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।